साल 2010 में जब भारत और पाकिस्तान के दो मशहूर खिलाड़ी शादी के बंधन में बंधे थे, तब ये मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज शोएब मलिक हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। इन दोनों ही खिलाड़ी की शादी की खबर जैसे ही बाहर आई तो आग की तरह फैल गई। हैदराबाद में एक पारंपरिक समारोह में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने शादी की थी। हालांकि इस शादी को लेकर सानिया मिर्जा को ट्रोल भी किया गया था। ट्रोलर उन्हें यह कहकर ट्रोल कर रहे थे कि क्या उन्हें कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं मिला जो वे पाकिस्तान चली गई। खैर, शादी तो हो गई, फिर 10 साल बाद उनके बेटे इजहान का जन्म भी हुआ। लेकिन अब इस शादी के बंधन पर खतरे का बादल है और खबर ये मिल रही है कि दोनों का निकाह टूट गया है, मतलब दोनों ने ही तलाक ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में तलाक के हवाले से बहुत पहले से दावा किया जा रहा था, लेकिन इस दावे को मजबूती तब ज्यादा मिली जब इस कपल के एक करीबी दोस्त का बयान सामने आया। सानिया और शोएब के करीबी दोस्त ने बताया कि अब ये दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले हैं, इनके बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। फिलहाल शोएब मलिक पाकिस्तान में हैं, वो एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए T20 वर्ल्ड कप को लेकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सानिया मिर्जा दुबई में हैं। आपको बता दें कि सानिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिनके बाद तलाक की अटकलों को हवा मिली है। सानिया ने अपने बेटे इजहान के संग एक क्यूट सी फोटो शेयर की और लिखा, वो पल जो मुझे सबसे मुश्किल दिनों में ले जाते हैं। वहीं एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में शोएब मलिक के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि तलाक हो गया है। इस सदस्य ने बताया कि आधिकारिक तौर पर सानिया और शोएब का तलाक हो गया है, दोनों अब अलग हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शोएब ने सानिया को धोखा दिया है क्योंकि वे किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहे हैं, इसी वजह से उनके और सानिया के रिश्तों में खटास आई है। दोनों ने यह मामला सामने आने के बाद ही अलग होने का फैसला कर लिया था। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि शोएब ने अपने एक टीवी शो के दौरान सानिया को कथित तौर पर धोखा दिया। हालांकि दोनों ने अभी इस खबर पर कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। वैसे आपको क्या लगता है, आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।